और स्पेशली यहाँ पे विंटर फेस्टिवल 2021 गुलगम में होस्ट करने के लिए, और मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी लोकल लाइट है स्पेशली फ्रॉम कश्मीर गाइस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आज यहाँ पे पहुँचे, स्पेशली बॉम्बे से अरबाज खान, विद्या बालन एंड सिद्धार्थ रॉय जी, एंड वी रियली वांट कि आप यहाँ पे ज़रूर आए और इस तरह के विंटर फेस्टिवल का लुफ्त उठाए, बिकॉज अगर आप कश्मीर नहीं आए, गुलमर्ग नहीं आए, तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा. सो डू विजिट गाइज एंड इन्जॉय द ब्यूटिफुल वैली ऑफ गुलमर्ग. और इस खूबसूरत वादी में मौजूद इंडियन आर्मी की के हर फौजी को मेरा सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया इस न्योते के लिए. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ सिद्धार्थ के साथ आई हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा जो हैं उनका हनीमून यहाँ हुआ था. तो ये बहुत ही सेंटिमेंटल विजिट है मेरे लिए, और इतनी खूबसूरती मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी. मैं दुनिया भर में घूमी हूँ, पर इस तरह की खूबसूरती शायद ही कहीं देखी हो. और जिस तरह का विंटर फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, जो स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, सब कुछ इतना उमदा है कि मुझे बहुत मज़ा आया. लगा कि हाँ, बहुत ठंड से मैं कांप भी रही थी, पर जिस प्यार से आप लोगों ने हम सभी को वेलकम किया, जितना आप लोगों ने हमें प्यार दिया, उसके वजह से मुझ में एक जोश बढ़ता रहा. जैसे कहते हाउस द जोश, नहीं नहीं हाय नहीं है, मैं चली जाऊं वापस. हाउस द जोश, हाँ बिल्कुल, मेरे लिए भी बहुत हाई है. तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल विंटर फेस्टिवल. आई होप मुझे दोबारा मौका मिले, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी किसी फिल्म शूटिंग के लिए मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत बहुत प्यार. बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर के लोगों का, इंडियन आर्मी का, मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स जी का, एंड हिज एंटायर ब्रेव हार्ट्स who have invited us and given us this honor to be a part of this wonderful winter festival of Gulmarg. ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये मेरी पहली बार है, और शायद मैं बहुत ही इतने सालों बाद आया हूँ, तो मैं अपने आप को बदनसीब समझता था कि मैं इतने पहले क्यों नहीं आया, बिकॉज दिस इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो नाइस. इन वादियों में भले ही बहुत ठंड हो और बर्फ़ हो, लेकिन आप लोगों के दिलों में बहुत वार्मथ है और आप में बहुत प्यार है. मैं वादा करता हूँ कि यह मेरा आखिरी बार नहीं होगा, पहली बार तो है, लेकिन मैं यहाँ बार बार आता रहूँगा. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड एवरीबॉडी प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस अबाउट द विंटर स्पोर्ट्स हियर एंड पीपल कमिंग टू कश्मीर. जय हिंद. हाँ बिल्कुल, अगर देखो फिल्में जो होती हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से होती हैं, लोकेशंस सब्जेक्ट डिसाइड करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा सब्जेक्ट फाइनलाइज करते हैं जहाँ हमको यहाँ शूट करना पड़ेगा, तो ज़रूर आएंगे. देयर इज़ नो अदर रीज़न नॉट टू बी हियर.
लाइक आई सेड आएंगे आई थिंक कुछ हाल ही में कुछ फिल्में लास्ट कुछ तीन चार साल पहले कुछ फिल्में शूट हुई हैं इन दिस रीजन जी जी सो नाउ आई गेस अभी लोगों को इनका अभी माहौल देख के लोगों को और भी इनकरेजमेंट होगा आने का एंड यहाँ पर एवरीबडी फील्स लव्ड एंड सिक्योर्ड एंड सेफ एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू द इंडियन आर्मी एंड सो वी विल बी कमिंग होपफुली आएंगे जरूर आएंगे बिल्कुल बिल्कुल लाइक जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली आई लुक्ड एट इट एज अ वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड टू एक्सपीरियंस कश्मीर टू एक्सपीरियंस गुलमर्ग टू मीट द पीपल टू सी एवरीथिंग अराउंड एंड आई हैव बीन प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी हियर एंड लाइक आई सेड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द इंडियन आर्मी फॉर गिविंग एक्सटेंडिंग दिस इन्विटेशन टू मी एंड नाउ आई विल बी कमिंग प्रॉबली विदाउट एन इन्विटेशन